नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन अतुल सिंह ने जिला बड़वानी पुलिस की कार्यों का वार्षिक निरीक्षण कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। निमाड़ रेंज के DIG अतुल सिंह ने दिनांक 5/8/2024 को जिला बड़वानी का वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल पाटीदार, SDOP बड़वानी दिनेश चौहान, DSP महिला सुरक्षा महेश सुनैया, DSP अजाक जितेंद्र सिंह भास्कर, रक्षित निरीक्षक चेतन बघेल और थाना प्रभारी कोतवाली बड़वानी दिनेश कुशवाहा ने सर्किट हाउस बड़वानी में DIG अतुल सिंह का पुष्पगुच्छ भेजकर भव्य स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान DIG अतुल सिंह के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय बड़वानी की सभी शाखाओं, रक्षित केंद्र बड़वानी की सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DIG ने विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा की। पुलिस लाइन बड़वानी एवं नवनिर्मित नर्मदा विहार पुलिस लाइन परिसर बड़वानी का भ्रमण किया। भ्रमण पश्चात पुलिस लर्निंग सेंटर बड़वानी में आयोजित पुलिस सम्मेलन में उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करते हुए सुझाव चाहे। पुलिस सम्मेलन में DIG अतुल सिंह के द्वारा बताया गया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस को समाजोन्मुखी कार्य करना होगा, तभी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकेंगे और देशभक्ति जनता जनसेवा की भावना को साकार कर सकेंगे। DIG अतुल सिंह के द्वारा अपने वार्षिक निरीक्षण में जिला पुलिस बड़वानी की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। DIG अतुल सिंह के द्वारा स्थानीय मीडिया के साथ प्रेस वार्ता भी की, जिसमें उन्होंने धार्मिक त्योहारों एवं आयोजनों में समुचित सुरक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन साइबर फ्रॉड एवं निष्पक्ष प्रभावी पुलिसिंग पर चर्चा की। बड़वानी से रघुनाथ सिंह की रिपोर्ट। सर, आज वार्षिक निरीक्षण का क्या पाया? बड़वानी जिले का इस सत्र का वार्षिक निरीक्षण जुलाई का ड्यू था, क्योंकि जुलाई माह में मुहर्रम और अन्य कार्यक्रम का सोधी न्यायालय प्रस्तुत किया। तो इस वार्षिक निरीक्षण में सामान्यतः जो जिला पुलिस की जो पूरी समग्र कार्यप्रणाली है, उनकी व्यवसायिक दक्षता, उनके जो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से सामना की जाने वाली कार्रवाइयाँ और जो भी शासकीय सामग्री और जितना भी रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है, उसका अवलोकन किया जाता है और जो विभिन्न गतिविधियाँ चल रही हैं, जो वेलफेयर एक्टिविटीज चल रही हैं, उनका भी एक बार अवलोकन किया जाता है। आगामी समय धार्मिक त्यौहार भी आने सर, तो इनके द्वारा कोई निर्देशित किया गया सर शांति व्यवस्था के लिए? धार्मिक त्यौहारों के लिए एक्चुअली में जुलाई माह में ही हमारे यहाँ पुलिस मुख्यालय में एक VC हुई थी, जिसमें DGP महोदय ने जो है डिटेल निर्देश दिए थे। उसके बाद दो बार तीन बार अलग अलग भी VC हो चुकी। माननीय CM महोदय ने भी अभी स्पेसिफिक इन तीन चार दिनों के लिए अलग से कांवड़ यात्रा और सावन के जो सोमवार के कार्यक्रम है उनमें कानून व्यवस्था स्थिति और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के संबंध में अलग से VC कराई थी। तो उसमें जो भी इन जिलों के मुद्दे थे वो बताते हुए उसमें किस प्रकार की बेहतर व्यवस्था बनानी है उसके स्पेसिफिक निर्देश दिए गए हैं और वो लगभग इसका क्रियान्वयन भी हुआ। SP साहब द्वारा लगातार उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे? ये निश्चित तौर पर जो वर्तमान में हमारे बड़वानी के युवा पुलिस अधीक्षक हैं, इनके द्वारा जो कार्यों में एक व्यावसायिक दक्षता और एक बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल्य जिले में जिस प्रकार की एक मानवीय संवेदना का जो एक परिचय दिया जा रहा है, उसके कारण जिला कई मतलब आपराधिक व्यावसायिकता की दक्षता में मतलब अन्य जिलों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।